औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को जो है यही कैद करके रखा था, यही वो जेल है जहाँ शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट किया गया था। ये शाहजहाँ का बेडरूम हुआ करता था, तो शाहजहाँ ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी, तो इसलिए उसने अपनी बेटियों के लिए पालकी होता है डोली, हाँ। डोली जैसा महल बनवा दिया। उस जमाने का शीश महल, जो शीश महल जो दिखा रहे हैं वो सामने बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, और आगरा के मैं पहुंचा हूं अभी आगरा किले पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आगरा का किला दिखाने वाला हूं, एक गाइड करेंगे यहां पे, और गाइड की मदद से इस किले को घूमेंगे और इसके इतिहास को आज हम जानेंगे। दोस्तों अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है, 1 पर्सन का 50 रुपये का टिकट है। तो ये भाई साहब हमको गाइड करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद चाहर है। विनोद चाहर जी हैं, तो यही आज हमको पूरा किला दिखाने वाले हैं और इसकी हिस्ट्री से हमको रूबरू कराएंगे। सामने जो गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है अमर सिंह राठौर गेट। मोर टाइम में इस गेट का नाम अमर सिंह राठौर गेट है, क्योंकि ये गेट जो है अमर सिंह शाहजहाँ के समय एक चीफ कमांडर हुआ करता था, और उसी के नाम पे इस गेट का नाम रखा गया है। तो शाहजहाँ के समय जब चीफ कमांडर था, तो इनका एक मंत्री था सलामत खान। सलामत खान का जो है अमर सिंह राठौर ने कत्ल कर दिया था। इस किले की गेट की ऊँचाई देख रहे हैं, 75 फीट ऊंचाई से अमर सिंह राठौर ने घोड़े सहित जंप लगाकर इस किले से फरार हो गया था। ये बात है 1644 की, 1644 की। बाद में इस गेट का नाम अमर सिंह राठौर गेट रख दिया गया। इस गेट में घुसने से पहले एक ये डोर बना हुआ है, तो देखिए कि नीचे जो है लोहे की पत्तियां दिख रही हैं। ये किसी समय में जो है 25 से 30 फीट लंबा दरवाज़ा हुआ करता था, अंग्रेज़ों ने इसे 8 फीट का रहने दिया गया। दरवाज़ों के साइड में दो चैन लगी हुई हैं, ये दरवाज़ा धीरे 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 ऐसे करके पुश होता था। बीच में जो है वाटर मोट आ जाया करती थी, ये पानी वाली खाई, इस खाई के अंदर पानी होता था। पानी के अंदर जो है बड़े बड़े मगरमच्छ पाले जाते थे, जिससे कि दुश्मन आसानी से गेट के अंदर ना जा सके। इसलिए बनाया गया था, अगर दुश्मन दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाया करते थे तो ऊपर से हैवी गोल पत्थर फेंके जाते थे, जिससे उन्हें वापस किया जा सके। दूसरा, चोट चढ़ाने के लिए आसानी रहे, इसलिए हमेशा स्लोप दी जाती है। पत्थरों के अंदर जो कटिंग देख रहे हैं, तो घोड़े दौड़कर स्पीड से नीचे आते थे, उनके पैर स्लिप ना हों, इसलिए ये कटिंग बनाया गया है। इससे आगे हम आपको जहांगीरी महल होते हुए अंदर पूरा दिखाया जाए। किले का 75% एरिया जो है अपनी इंडियन आर्मी के पास है। ये किले का 4th गेट है, और ये गेट के सामने देखेंगे हम, ये है सामने जहांगीर का महल। अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर जिसका बचपन का नाम था सलीम। सलीम के नहाने के लिए गिफ्ट में एक बाथ टब दिया, वो जाली के अंदर देख रहे हैं सामने रखा हुआ है। ये टब की खासियत है, ये टब जो है सिंगल पीस में है, इसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं है। 5 फीट इसकी गहराई है, 8 फीट चौड़ाई है। पूरा राउंड इसका 25 फीट है, 3 सीढ़ी अंदर है, 3 बाहर। ये किसी समय में अकबर के पैलेस में हुआ करता था। भरतपुर के राजा थे महाराजा सूरजमल जाट, उन्होंने हमले में अकबर का पैलेस तोड़ दिया। स्टब को खींच के ले जाने की कोशिश किया गया, इसका एक सीढ़ी टूट गया, ये डैमेज हो गया, स्टब को यहीं छोड़ दिया गया। ये किले की चारों तरफ की बाउंड्री वॉल बनी हुई है इस किले की। अकबर जब स्टार्टिंग में आया था तो किले की बाउंड्री वॉल कराई थी, और अकबरी महल और जहांगीर और दीवाने आम बनवाया उसने। दोस्तों अभी हम जिस हिस्से में पहुंचे हैं इसको बोलते हैं अकबरी महल। वैसे तो ये यहाँ पे काफ़ी आलीशान महल हुआ करता था। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ अवशेष यहाँ पे बचे हुए हैं जो टूट चुके हैं। उसके सामने अगर जो महल आप लोगों को दिख रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा टूटे हुए अवशेष आप लोगों को दिखेंगे, और जिसमें ईंट का प्रयोग किया गया था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हिस्सा बचा हुआ है, जिसको अकबरी महल बोलते हैं, और अकबर ने इसको बनवाया था। बाद में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पर जब कब्जा कर लिया था इस फोर्ट पर, तो उन्होंने यहाँ पर जेल बनाई थी। यहाँ पर बावड़ी भी हैं,
सर्वेंट क्वार्टर थे, बावड़ी भी अभी बनी हुई है। बावड़ी का मतलब होता है पानी का कुआं। इसके अंदर तक जाते थे और इसके अंदर जाने के लिए भी रास्ता होगा, लेकिन अभी पता नहीं कि रास्ता कहाँ से होगा, बंद कर दिया है। तो ये उस समय की बावड़ी है अकबर के जमाने की। देखिए ये जितने भी गेट देख रहे हैं इनको बोलते हैं नौबत खाना, नौबत मतलब म्यूजिक गैलरी। तो ये आप जो डॉम देख रहे हैं यहाँ बहुत अच्छा इको होता है, सैनानियों का साउंड अंदर तक सुनाई देता था, इससे पता चलता था कि महाराज अंदर आ रहे हैं। ये वेलकम करने की जगह है, यहाँ किंग जहांगीर को खड़ा किया जाता था और यहाँ उसका वेलकम स्वागत किया जाता था। ये दोनों साइड में म्यूजिक सिस्टम हुआ करते थे, दोनों साइड में म्यूजिक बजाए जाते थे, बहुत अच्छा इको होता है इधर तरह से। देख रहे हैं हम चारों तरफ में, ये जो है इसे बोलते हैं रंग महल। यहाँ बादशाह लोगों के मनोरंजन के लिए डांस नाच गाना किया जाता था। नीचे जो है पूरे में पर्शियन कारपेट होता था, चारों तरफ तबले वाले होते थे। किंग जो है वहाँ देखो ऊपर टॉप में बैठ के देखा करते थे, उनके नीचे छोटे छोटे जो झरोके टाइप में दिए गए उनमें रानियाँ बैठा करती थी। साइड से जो खाली खाली जगहें दिख रही हैं उनमें जो है सर्वेंट इनकी दासियाँ खड़ी हुआ करती थी। ये जो बड़ा सा हॉल देख रहे हैं अंदर में, ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था इनके खाना खाने की जगह। और ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है इनका बेडरूम। उस समय जो है बेडरूम होता था ये जहांगीर का, उस समय दरवाजे नहीं होते थे, दरवाजों की जगह जो है रशियन कर्टन्स पर्दे लगाए जाते थे। क्योंकि डिजाइन आर्किटेक्ट जो है ये सारा हिंदू शैली में बना हुआ है, ये एलिफेंट टाइप में जैसे कि ऊपर की तरफ घोड़े के पैर की तरह दिख रहा है। और वो देखेंगे साउथ के टेम्पल्स वगैरह के अंदर इस तरह का डिज़ाइन आर्किटेक्ट बना होता है, जैसे ऊपर बना हुआ है। यहाँ एक हिंदू रानी के लिए टेम्पल हुआ करता था, बाद में ये टेम्पल जो है हटा दिया गया। तो इस तरह से ये इनका पूरा रंग मंच हुआ करता था, यहाँ लोगों के बादशाह लोगों के मनोरंजन के लिए डांस नाच गाना किया जाता था। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे लाइब्रेरी। छोटे छोटे रूम्स देख रहे हैं ये यहाँ से लेके वहाँ तक जो सामने बने हुए हैं, ये पूरी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। लाइब्रेरी के अंदर जो है इस तरह का वर्क होता था, इस तरह के कलर्स, इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह होती थी। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये इंडियन वर्क नहीं है, ये पूरा पर्शियन वर्क है। जब इनके अंदर हमलावरों के हमले हुए तो इनके अंदर आग लगा दी, जला दिए गए पूरे। ये किला जो है मुग़लों से पहले इस किले की नींव जो है हिंदू राजा बादल सिंह द्वारा रखी गई थी, इस तरह की ईंट और मिट्टी चूल्हे से बना हुआ था। बाद में ये किला जो है इब्राहिम लोधी और उसके बाद जब ये किला अकबर के पास आया तो अकबर ने इसके अंदर रेड सैंड स्टोन लाल पत्थर यूज किया। ये राजस्थान से मंगाया गया ना? हाँ, ये पूरा राजस्थान से पत्थर है। और सामने जो आंगन है और वहाँ से आपको ताज की खिड़की दिखाई जाएगी, आपको ताजमहल दिखाया जाएगा और सामने ही आपको ताजमहल का दीदार होगा। ये देखो तो दिखाएंगे आप उस जमाने का 400 साल पुराना एसी रूम। उस समय राजा लोगों के लिए कमरों को किस तरह से ठंडा रखा जाता था। ये चार कमरे बने हुए हैं, जैसे कि एक दो तीन तो ये चार, इन चारों कमरों को उस समय पूरा ठंडा रखा जाता था। ठंडा कैसे रखते थे, इसे पूरा अंदर से खोखला बनाया गया है। निजी खोखली दीवारों के अंदर पाइप है और पाइप के अंदर पानी। देखिए इस तरह से तो जमाने का नेचुरल एसी रूम बज रहा है। और इसके अंदर एक खासियत है, बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो सामने कॉर्नर में लड़का सुन रहा है, मैं घर बोलूँगा आपको सुनाई देगा यहाँ से। आप बोलोगे तो गाइड साहब यहाँ से बोलेंगे। हेलो, आवाज़ आ रहा है? शायद आप लोगों को आवाज़ आ रहा है। खिड़की दिखाएंगे जो कि आपको कहीं से बंद और कहीं से खुली नज़र आएगी, उसे बोलते हैं मैजिक विंडो। उस समय जो है राजाओं के लिए ठंडी हवा के लिए किस तरह से व्यवस्था की जाती थी। देखिए सामने देख रहे हैं आप, खिड़की आपको चारों तरफ से क्लोज बंद दिख रहा है और ये खिड़की आपको अंदर से जो है बिल्कुल ओपन खुली नज़र आएगी, खुली हुई दिखेगी। ये देखिए, ये देखो इधर से खुली हुई है और उस साइड से देख रहे हैं तो बंद दिखेगी आपको। ये उस समय गर्मियों के समय रूम्स को उस समय पूरा ठंडा रखने के लिए इस तरह की खिड़की बनाई जाती थी। सामने दरवाजे बंद कर देते थे, हवा का प्रेशर दीवार से टकराता, दीवार से टकराने के बाद तिरछी सीधी हवा इस रूम के अंदर आया करती थी।
उस समय का एसी सिस्टम है, ये सारा एसी सिस्टम हुआ करता था। मार्बल का काम है सारा शाहजहां का है। शाहजहां की वाइफ थी मुमताज, मुमताज के दो क्लोज बेटियां थी जिनका नाम था, एक का नाम बड़ी बेटी का नाम जहानारा और छोटी बेटी का नाम रोशनारा। तो शाहजहां ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी, तो इसलिए उसने अपनी बेटियों के लिए पालकी होता डोली, डोली जैसा महल बनवा दिया। हमेशा के लिए डोली में बिठाया पर डोली उठाया नहीं। ये छोटी बेटी रोशनारा की डोली है और बड़ी बेटी जहानारा का आगे है। औरंगजेब ने इस किले के अंदर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनवाई थी, इस किले की सुरक्षा के लिए उसने देखते हुए दो खाई बनवाई थी मोट। आइए आपको हम दो खाइयाँ दिखाते हैं। ये सामने तो ताजमहल है और देखिए ये है, हाँ ये दो खाई बनी हुई है। ये देखिए नीचे की तरफ वो वाली जो फर्स्ट वाली देख रहे हैं उसके अंदर पानी हुआ करता था, पानी के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, बीच में बाउंड्री है, उस पर सोल्जर्स होते थे, इसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स जिससे कि दुश्मन आसानी से अंदर ना आ पाए। इस तरह से इस किले की सुरक्षा के देखते हुए ये यमुना नदी है, रेलवे ब्रिज है जो जैसे टूला और कानपुर की तरफ जाता है ये रास्ता। बागीचा देख रहे हैं, ये बागीचा जो है अंगूरी बाग के नाम से फेमस है। जहांगीर की एक वाइफ थी जिसका नाम था नूर जहाँ, बहुत फेमस लेडी हुआ करती थी, उसने यहाँ पूरे में ग्रेप्स अंगूर के बाग लगवाए थे। ये जगह आज भी अंगूरी बाग के नाम से फेमस है। ये डबल स्टोरी रूम जो देख रहे हैं ये इनकी जितनी भी सर्वेंट दासियाँ इनमें किन्नर वगैरह होते थे वो रहा करते थे। और बीच में देख रहे हैं 37 फाउंटेन है, इन फाउंटेन के अंदर रोज वाटर चलाया जाता था, हवा के साथ पूरे किले के अंदर खुशबू बनी रहे। इस महल को बोलते हैं खास महल, खास मतलब स्पेशल रूम। ये शाहजहाँ का बेडरूम हुआ करता था। चारों तरफ कुंडे देख रहे हैं, ये जो है महल को पूरा पर्दों से कवर किया जाता था। जैसे कि अभी हमने खास महल के बारे में बताया था कि ये चारों तरफ से पर्दों से कवर किया जाता था। इस महल का जो डिजाइन है ना 350 साल पहले इस तरह का हुआ करता था, इसके अंदर पूरे में गोल्ड का वर्क होता था। ये डिज़ाइन ब्रिटिश टाइम में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनवाया गया था 1905 में, किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका। उस समय हवा के लिए दो दासियाँ हुआ करती थी, एक इधर हुआ करती थी, बीच में जो कुंडे देख रहे हैं ऊपर में उस समय कपड़े वाले पंखे चलाए जाते थे, हाथ से हिलाने वाले, और साइड से 6 कुंडे दिए गए हैं। बीच में बेड को कवर करने के लिए नेट जाली सिस्टम हुआ करता था। इसके अंदर जो मार्बल लगा हुआ वो ट्रांसपेरेंट मार्बल है, देखिए वो रोशनी आपको बाहर की रोशनी अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, ये इस तरह का मार्बल इसके अंदर लगा हुआ है। उस ज़माने का शीश महल, जो शीश महल जो दिखा रहे हैं वो सामने बना हुआ है, ये बंद जो है, हाँ बंद है, जो कि एक लेडीज बाथरूम हुआ करता था नहाने की जगह, इसमें जो है ठंडे पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पे लिखा हुआ शीश महल, ये लिखा हुआ है इसके बारे में पूरा। इसके अंदर जो गिलास मंगाए गए सीरिया के हलब नामक शहर से मंगाए गए हैं। इसके अंदर जो ठंडे पानी की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था, सोनाबाद हुआ करता था, यहाँ लेडीजों का मेकअप किया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि एक वो फिल्म आई थी ना जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम में कि इसको यूज किया गया था, यूज नहीं किया गया, लेकिन इसको यूज नहीं किया गया था, उन्होंने अपना खुद से बनाया था, इसका डिजाइन ले गए थे, कॉपी किया गया था इसको। इसके अंदर दो कैंडल जलाने में पूरे में रिफ्लेक्शन होता है, जगमगाता है। तो अभी इसको बंद क्यों किया गया? ये गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया, क्योंकि ये इसके अंदर जो कीमती शीशे वगैरह लगे हुए लोग इन्हें निकाल के खराब करने की कोशिश करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। जो भी दिखता है वो यहीं से दिखता है थोड़ा। ये उसकी दूसरी बेटी की डोली है, अभी दिखाया था पहले छोटी बेटी की डोली, अब ये है बड़ी बेटी जहानारा की डोली। जहानारा की वो सेम बनी हुई है, मतलब एक इस साइड बनी है दूसरी उस साइड बनी हुई है। अब दिखाएंगे वो आपको शाहजहां की जेल, जहाँ शाहजहां को बंदी बनाकर रखा गया था। और सामने जो महल देख रहे हैं, इस महल का नाम है मुशम्मल बुर्ज। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जो है यहीं कैद करके रखा था, यही वो जेल है जहाँ शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया गया था। हाउस अरेस्ट किया गया था उसे 1658 से 1666 तक 8 साल। शाहजहां जब ओल्ड बूढ़ा हो गया, नज़र कमज़ोर होने लगा, उसे दूर से ताज नहीं दिखता था, तो उसकी बेटी ने दीवार के अंदर एक छोटा सा मिरर शीशा लगवाया था, जो शीशे के अंदर ताज को देखा करता था। अंदर में जितना भी वर्क देख रहे हैं ये पेंटिंग नहीं है, ये मार्बल को काट के छोटे छोटे स्टोन्स लगाए गए हैं, जैसे कि टाइगर स्टोन है, ब्लैक ऑनेक्स है, मूंगा है, कुछ लोग इन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए अंदर में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जाना। बीच में एक छोटा सा फाउंटेन है जो कि अभी आपको दिखाएंगे, और शाहजहां के खेलने के लिए गेम, ये देखिए नीचे बना हुआ प्लस टाइप में दिख रहा है, ये चौंसर बोलते हैं उसे, इन पर गोटियों की जगह उस समय जो है लेडीज सर्वेंटों को यूज़ किया जाता था, पाशा फेंकते थे और इशारों से उन्हें मूव किया जाता था, गोटियों की जगह सर्वेंट को खड़ा किया जाता था। हाँ सर्वेंट्स को, ये शाहजहां पानी चलता था, ये किसी समय में यहाँ
पूरे में नहाने धोने की पूरी व्यवस्था हुआ करती थी, जो कि ब्रिटिश टाइम में और जब हमलावर आए तो इनके अंदर काफ़ी लूट मार की और जो माल यहाँ से निकाल कर ले गए। सामने जो जाली देख रही बंद देख रहे हैं, एक छोटी सी टनल है जो कि किले के बाउंड्री के बाहर निकलती है, जो कि अब ये रास्ते जो है बंद हो चुके हैं। अब सारे हम ये जा रहे हैं हम दीवाने खास की तरफ। मीना मस्जिद है इसका नाम, जो कि बंद रहती है। शाहजहाँ को जब बंदी बना लिया गया था तो उसे बड़ी मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं थी, तो यहाँ नमाज पढ़ता था। जगह छोटी है इसलिए गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास मीन्स प्राइवेट कोर्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मंत्रियों के साथ जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ करती थी इसी दीवाने खास के अंदर हुआ करती थी। सामने पहले पिकॉक थ्रोन यही हुआ करता था जब राजधानी आगरा थी। जब राजधानी शाहजहाँ 1638 में दिल्ली ले गया तो वहाँ शिफ्ट कर दिया, वहाँ से 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया। कुछ मीटिंग बाहर हुआ करती थी। देखो ये सामने काला पत्थर रखा हुआ है, ये है ब्लैक ऑनेक्स। ऑनेक्स होता है गोल्ड टेस्ट करने वाला स्टोन। ये बेल्जियम से मंगाया गया था, एक ही पीस में था। 1803 में अंग्रेज़ों का हमला हुआ, उस तोप के गोले चले, एक गोला लगा ये पत्थर क्रैक हो गया और एक गोला देखो वो सामने लगा, वहाँ छोटा सा हॉल हो गया। और जो वाइट पत्थर देख रहे हैं सामने उस पर शाहजहाँ बैठा करता था, क्योंकि शाहजहाँ को यहाँ से ताज क्लियर दिखता था उस पत्थर से। ये है वो पत्थर जहाँ बैठ के शाहजहाँ ताजमहल का दीदार किया करता था। सामने ही ताजमहल दिखता है यहाँ से, ये देखो। देखिए सामने जो बागीचा देख रहे हैं, इस बागीचे के साइड में छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं। यहाँ एक मार्केट लगाई जाती थी, इस मार्केट का नाम था मीना बाजार। ये मार्केट जो है फ्राइडे की फ्राइडे लगती थी और किले के अंदर जितनी भी वीआईपी लेडीज़ थी उनके लिए ये मार्केट भी जो है लेडीज़ ही लगाया करती थी, जिसमें रॉयल फैमिली जो है मार्केट किया करती थी। तो शाहजहाँ ने ये मार्केट यहाँ से हटा कर, ये जगह आज मछली भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ दो बड़े बड़े टैंक थे, एक इधर और एक उधर दरवाजे के पास। दोनों टैंक्स के अंदर पानी होता था, पानी के अंदर कलर फिश पाली जाती थी। उधर वो सामने जो जगह दिख रही है वहाँ जो है मुमताज़ बैठा करती थी। हाँ ये वाली जो जगह है इस पर जो है मुमताज़ बैठा करती थी, और यहाँ जो हम लोग खड़े हैं यहाँ शाहजहाँ बैठता था इस जगह पे। और यहाँ शाहजहाँ जो है दोनों में फिशिंग हुआ करती थी, दोनों जो है कंपटीशन करते थे, मछलियाँ का शिकार करते थे। दो टैंक्स होते थे, एक इधर और एक उधर। और देखो टकसाल पैसा यहाँ बनता था, यहाँ कॉइन सिक्के बनाए जाते थे। ये जो जिसमें अभी वो लगे हुए हैं, हाँ जाली लगी हुई है, इसके अंदर पैसा बनाया जाता था। ऊपर जो दरवाजे देख रहे हैं आप, ये सारे ऑफिसेस होते थे इन लोगों के लिए। यहाँ पे सारा हिसाब किताब रहता था, कहाँ से कितना पैसा टैक्स वगैरह वसूला गया है। बता यहाँ से बादशाह जो है दरबार लगाने जाते थे। ये सामने से जगह है इस वाले से, हाँ दोनों साइड से रानियाँ जाया करती थी, बीच वाले से राजा। अच्छा इस वाले गेट से, हाँ। और सामने जो देख रहे हैं वो नगीना मस्जिद है, ये शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था उस समय, जो कि किले के अंदर जितनी भी हरम की जो दासियाँ हुआ करती थी इनके नवाज पढ़ने के लिए। अच्छा सामने है जिसका नाम है नगीना मस्जिद। अच्छा हरम का मतलब क्या होता था? इनकी जो अंदर में एक डिपार्टमेंट होता है इनके, जिसमें की फैमिली की लेडीज भी होती थी, इनकी अनऑफिशियल लेडीज भी होती थी, इस तरह की हरम बोला जाता है। दोस्तों जब हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे दीवाने खास के पास में, तो ताजमहल वहाँ से बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन यहाँ से हमको बहुत बड़ा और काफ़ी खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रहा है। वहाँ से धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, शायद आपको कैमरे में उस तरह से ना दिख पा रहा हो, लेकिन हम जो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वहाँ सामने आपको ताजमहल दिख रहा है, और ये है दीवाने खास। ऐसे बोलते हैं दीवाने आम, पूरा तरह घुमाओ। यहाँ आम जनता का दरबार लगता था। और देखो ये सामने जो जगह देख रहे हैं, यहाँ राजा बैठता था। ऊपर जो दरबार दिख रहा है और नीचे जो पत्थर दिख रहा है, जो बैरिकेडिंग हो रही है, ये लेडीज़ खड़ी हुई, इसके पीछे पत्थर है। यहाँ जो इनका वजीर बैठता था, और यहाँ एक इनका जो है जो कंप्लेंट लेके आता था वो फरियादी को खड़ा किया जाता था। और ये चारों तरफ वीआईपी मिनिस्टर्स होते थे और आम पब्लिक को नीचे खड़ा किया जाता था इस साइड। हाँ और ये देखिए दोनों साइड में रानियों के बैठने की व्यवस्था है। और ये पूरा लाल पत्थरों से हुआ करता था, शाहजहाँ ने कुछ हिस्सा वाइट मार्बल से बनवा दिया। और देखेंगे हम लोग ये पीछे की तरफ मोती मस्जिद बनी हुई है, जो शाहजहाँ द्वारा बनाई गई थी। ये उस समय जो आर्मी के अंडर में है, अब जो बंद रहती है। और ये एक अंग्रेज का कब्र है, इधर देखेंगे हम सामने। ये एक अंग्रेज का कब्र है, इसका नाम जॉन रसेल कॉलबिन।
1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो ये किले के अंदर मौजूद था। एक बीमारी से मर गया, कॉलरा बीमारी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे बाहर ना ले जा सकी तो उन लोगों ने इसे यहाँ दफना दिया। तब ये किला अंग्रेजी गवर्नमेंट के पास था। ये अंग्रेजों ने ये तो खुदाई के अंदर निकली थी तो बाद में जो है ASI डिपार्टमेंट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसे यहाँ रख दिया। ये ब्रिटिश टाइम की तोप है, इस पर मोहर लगा हुआ है और ये उसी ज़माने की है। इसका वजन बहुत हैवी है, दोनों साइड में स्टैंड है इसके। और ये आग लगाने के लिए जो सुराग है छोटा सा यही तो होता था? हाँ, ये ऑयल का कपड़ा डाला जाता था इसमें और फिर तो जला कर पीछे हट जाया करते थे। वो एयर निकलने के लिए दो सुराग दिए गए, वहाँ जो है उसमें कपड़ा लगाया जाता था, इधर बारूद भरा जाता था।